कसरौल विधानसभा में पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का नगर के जय स्तंभ चौराहे मार्गों पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पुष्प बरसाकर स्वागत किया। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस, सांसद गजेंद्र पटेल, कसरौल विधायक प्रत्याशी आत्माराम पटेल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। यात्रा खरगोन से ओजरा, गोपालपुरा, छोटी कसरौल होते हुए कसरौल पहुंची, जहां जय स्तंभ चौराहे पर संबोधन में सांसद गजेंद्र पटेल ने क्षेत्र की जनता से डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ताओं से संकल्प भी लिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रत्याशी आत्माराम पटेल ने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही इंदिरा सागर परियोजना को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं प्रवक्ता श्रीमती अर्चना चिटनीस ने कहा कि जो जनता के लिए कार्य करता है वही जनता के बीच आशीर्वाद मांगने जा सकता है। श्रीमती अर्चना चिटनीस ने लाडली बहना योजना को नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया तथा उपस्थित जन समुदाय से आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से जिताने का आह्वान किया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान साथियों को देखते हुए ये बोलने का मन करता है, तुम युवक हो काल को भी काल से देखते रहे, हो देश का सम्मान अपने खून से लिखते रहे। ठान लो जब तुम मगर युवक को नई तस्वीर दोगे, गर्जना से शत्रुओं के तुम कलेजे छीनोगे। गजेंद्र पटेल जी ने आपको संकल्प दिलाया, आत्माराम जी ने आपको ये बताया कि झूठ के पैर नहीं होते। जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि आशीर्वाद यात्रा लेके कौन आता है, जिसने विकास किया वो आता है, जिसने सेवा करी हो, गरीब कल्याण किया वो आता है, जिसने गांव की बेटी योजना बनाई हो वो आता है, जिसने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई हो वो आता है, जिसने बहनों को लाडली बहना बनाया हो वो पार्टी जन आशीर्वाद देने आती है, जिसने घर घर में उजला गैस का चूल्हा जलाया हो वो जन आशीर्वाद देने आता है, जिसने हर गरीब को आयुष्मान कार्ड दिया हो वो जन आशीर्वाद लेके आता है, और वो जन आशीर्वाद। कसरावत में ये जन सैलाब देखते हुए लगता है कि कसरावत ही नहीं सारे मध्य प्रदेश में हम दो तिहाई सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जीत का परचम फहराएंगे। प्रचंड बहुमत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है और ये क्षेत्र की कोटि कोटि जनता हमें आशीर्वाद देने के लिए तैयार है और तत्पर है। मोदी जी पर स्नेह आप देखें, जो मुंह खोलता है कहता है मोदी मोदी और मोदी। और इससे ये संकनाद है, बीजेपी के चुनाव प्रचार जैसे उम्मीदवार घोषित हो गए, इसके आज से चुनाव प्रचार भी शुरू हो गया जाना चुनाव। ये शंखनाद प्रचार का है और ये शंखनाद जीत की सुनिश्चितता का है, और आज बता दिया आत्माराम जी को क्या मानते हैं सांसद जी के श्रीमुख से क्षेत्र की जनता जनार्दन की वाणी निकली है, और ये सांसद जी के अपने बोल वचन नहीं है, ये जो इस कोटि कोटि जनता की आंखों में जो दिख रहा है वो सांसद गजेंद्र पटेल जी के मुख से निकला है। हमारे भाई आत्माराम जी निश्चित तौर पर विधायक बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भोपाल में भी बनेगी और दिल्ली में भी बनेगी। बहनों से मिलने के लिए बहन आई थी, किस तरीके का आपको सारे रास्ते में खरगोन से लेकर मैनपुरी से लेकर कसरावत तक लाडली बहने जगह जगह खड़ी मिली, राखियां बनाकर हमें हाथ में उन्होंने शिवराज जी के लिए दी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए दी है, यो हाथी हम साथी हमारे खड़े उनके हाथ में इतनी बड़ी राखी, इनके हाथ में उन्होंने राखियां बांधी, और आज 10 तारीख है, ये 10 तारीख लाडली बहनों के खाते में पैसे भेजने की तारीख है। और आज आपको मैं इस बात की बधाई देना चाहती हूँ कि खरगोन की पुण्य भूमि से कल हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है, शिवराज सिंह जी ने कहा है कि अब से
हमारी लाडली बहनों को गैस 450 रुपये में मिलेगी। और आज अभी ग्वालियर से उन्होंने इसके विस्तार से इसके बारे में उन्होंने बताया है। प्रधानमंत्री जी ने हर गैस के उपभोक्ता के लिए 200 रुपये से गैस सस्ती करी। हम गैस की भी बात करते हैं, हम किसान की भी बात करते हैं, हम मजदूर की भी बात करते हैं, हम युवान की भी बात करते हैं, हम शिक्षा की भी बात करते हैं, और आयुष्मान कार्ड बनाकर हम क्षेत्र की जनता का दुनिया की सबसे बड़ी बीमे की योजना, एक मेडिकल इंश्योरेंस की योजना दुनिया की सबसे बड़ी बनाकर इन सबके 5-5 लाख रुपये साल के स्वास्थ्य की सुरक्षा की सुनिश्चित करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसलिए हिम्मत है, इसीलिए हिम्मत है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।